दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जाकिर यूट्यूबर में। आज इस वीडियो में मैं आपको हैथवे की एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो अगर आप केबल ऑपरेटर हैं, हैथवे की केबल ऑपरेटर हैं और साथ में अगर आप हैथवे के केबल के सब्सक्राइबर हैं तो अब हैथवे आपको मौका दे रहा है, अब आप अपने सेटअप बॉक्स को एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरीके से केबल ऑपरेटर आपका सेटअप बॉक्स एक्सेस करते थे बिल्कुल उसी तरीके से अब आप केबल ऑपरेटर के जो सब्सक्राइबर हैं वो भी एक्सेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बहुत। तो क्या है ये अपडेट, आइए इस वीडियो में हम आपको पूरे विस्तार के साथ बताते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, अपने केबल ऑपरेटर के साथ जरूर शेयर कीजिए, साथ में केबल ऑपरेटर के जो सब्सक्राइबर है खासकर हैथवे के जो सब्सक्राइबर है उनके साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए और उन्हें भी अपने जो सेटअप बॉक्स है एक्सेस करने का मौका मिले। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सबसे पहले अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और वहां पर आपको बताता हूं कि क्या ये अपडेट है और क्या गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए हैथवे ने दिया है। तो दोस्तों हम यहां पर आ चुके हैं अपने पीसी पर और यहां पर मैं आपको टाइप करता हूं हैथवे कनेक्ट, थोड़ा मैं नज़दीक लेके जाता हूं, hathwekonnect.com/retreat/। अब मैं इसे टाइप कर दिया है, टाइप करने के बाद देखते हैं कौन सा पेज ओपन होता है। अब यहाँ पर देखिए रीट्रैक का ये एक नया ऑप्शन केबल सब्सक्राइबर के लिए भी अवेलेबल करा दिया गया है हैथवे की तरफ से। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो आईडी है यानी कि आईडी जो पूछ रही है यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके सेटअप बॉक्स का नंबर प्रेस करना है जो कि 12 डिजिट का रहेगा। अभी तो फिलहाल जो जियो के सेटअप बॉक्स आ रहे तो एन सीरीज से स्टार्ट है, पुराने अगर आपके होंगे तो 0000 या 000 से स्टार्ट होंगे जो कि 12 डिजिट के रहेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक सेटअप बॉक्स का नंबर टाइप करके रखा था, इसे मैं यहाँ पर कर लेता हूँ और इसके बाद जो कोड दिख रहा है उसे भी मैं टाइप कर लेता हूँ और यहाँ पर रीट्रैक ऑप्शन देख रहे हैं आप, अब यहाँ से मैं रीट्रैक कर देता हूँ। यहाँ पर क्या मैसेज हो रहा है, कीप योर एसटीबी स्विच ऑन फॉर क्विक एक्टिवेशन। ये जो कमांड दे रहे हैं इसके लिए आपका सेटअप बॉक्स स्विच ऑन होना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ से प्रोसेट कर देता हूँ, प्रोसेट करने के बाद यहाँ पर देखिए सर्विस रीट्रैक सक्सेसफुली और ऑर्डर आईडी यहाँ पर आ चुका है। तो गाइज आप लोग कंफ्यूज भी हो रहे होंगे कि रीट्रैक है क्या, तो आइए मैं आपको आगे की वीडियो में बताता हूँ कि रीट्रैक का मतलब क्या होता है और इसे केबल ऑपरेटर कब इसे इस्तेमाल करते हैं और अब केबल सब्सक्राइबर को इससे इसका फ़ायदा क्या होगा, आइए आगे की वीडियो में हम समझते हैं। तो दोस्तों आइए समझते हैं सबसे पहले कि रीट्रैक होता क्या है और रीट्रैक क्यों करना होता है और अब हैथवे ने केबल ऑपरेटर के सब्सक्राइबर को ये ऑप्शन क्यों दिया है। जैसे कि अगर आप लोग कहीं पर हॉलीडे पे जाते हैं या फिर कभी कभी हमारे बच्चों का एग्ज़ाम होता है और जिसकी वजह से हम एक हफ्ते तक या 10 दिन तक के हम अपने सेटअप बॉक्स को रिचार्ज करने के बाद भी बंद कर कर रखते हैं और जैसे ही हम हॉलीडे से आते हैं या फिर एग्ज़ाम ख़त्म होता है और हम अपना यह सेटअप बॉक्स चालू करते हैं तो हमें एक मैसेज शो होता है जहाँ पर लिखा होता है कि प्लीज़ कॉल योर केबल ऑपरेटर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, जबकि आपने इसका सेटअप बॉक्स का पेमेंट तो पेड कर दिया होता है लेकिन फिर भी ये मैसेज आपको आपके टीवी स्क्रीन पर शो होता है। फिर आप अपने केबल ऑपरेटर को कॉल करते हैं या फिर अपने केबल ऑपरेटर के एग्जीक्यूटिव को कॉल करते हैं और उसे आप बोलते हैं कि हमने जबकि पेमेंट दे ही दिया था फिर भी आप ये मैसेज क्यों शो हो रहा है कि आपने पेमेंट भरा नहीं है या फिर आपने केबल का रिचार्ज नहीं किया है, जबकि असल में ऐसा होता नहीं है। जब भी आप अपने सेटअप बॉक्स को 5 दिन से ज़्यादा बंद कर कर रखते हैं सिस्टम द्वारा सेटअप बॉक्स को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है जिसकी वजह से आपको ये मैसेज शो होता है। फिर आप अपने केबल ऑपरेटर को जब कॉल करते हैं या फिर अपने केबल ऑपरेटर के एग्जीक्यूटिव को कॉल करते हैं और जब आप ये मैसेज बताते हैं कि हमारे टीवी पर यह मैसेज शो हो रहा है तो केबल ऑपरेटर आपका रिचार्ज नहीं जबकि रीट्रैक मारता है या फिर केबल ऑपरेटर का जो एग्जीक्यूटिव है वो रीट्रैक मारता है जिसकी वजह से आपका केबल स्टार्ट होता है, आपका सेटअप बॉक्स स्टार्ट होता है। तो यही चीज़ अब आपके हाथ में आ चुकी है, यानी आप जब भी हॉलीडे पे जाए या फिर आप अपना सेटअप बॉक्स बंद कर कर रखें रिचार्ज कराने के बाद जब भी आप सेटअप बॉक्स बंद कर कर रखेंगे तो आपको सिस्टम द्वारा ये मैसेज शो होगा। तो अब आप जो मैंने URL आपको बताया है उस URL को यूज़ कर कर आप अपने सेटअप बॉक्स को रिट्रैक कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप इसे अपने मोबाइल पर लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर सेव करके रखिए, फेवरेट बनाकर रखिए, जब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो अब आप अपने केबल ऑपरेटर को कॉल नहीं कर सकते, आप अपने केबल ऑपरेटर के एग्जीक्यूटिव को कॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपका अपना टाइम खुद का टाइम सेव होगा क्योंकि कभी कभी केबल ऑपरेटर बिजी रहते हैं, कभी कभी केबल ऑपरेटर के एग्जीक्यूटिव भी बिजी रहते हैं तो जिसकी वजह से आपका जो बॉक्स को रिट्रैक मारना होता है काफ़ी समय लग जाता है। इसके लिए हैथवे ने अब ये कमांड आपके हाथ में दे दिया है,
आप खुद इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक अपडेट ये भी है कि अगर आप SMS द्वारा भी रिट्रैक करना चाहें तो रिट्रैक कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि SMS करने के लिए आपको क्या करना होगा। यहाँ पर आपको लिखना होगा बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर में SMS एक्ट और आपका सेट ऑफ बॉक्स का नंबर जो कि 12 डिजिट का रहेगा, और उसके बाद आपको जो सेंड करना होगा 9223011110। ये ऑल ओवर इंडिया के लिए है, यानी हैथवे के जो सब्सक्राइबर हैं उनके लिए है। कहीं से भी आप हो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जब आप ये SMS भेजेंगे तो सिस्टम द्वारा आपका जो सेटअप बॉक्स है वो रिट्रैक कर दिया जाएगा। ये एक अच्छी अपडेट है आप लोगों के लिए, खासकर केबल ऑपरेटर के सब्सक्राइबर के लिए, और केबल ऑपरेटर के लिए भी क्योंकि उनका भी टाइम सेव होगा और केबल ऑपरेटर के सब्सक्राइबर का भी टाइम सेव होगा। तो दोस्तों मुझे कमेंट्स करके ये जरूर बताइएगा कि ये अपडेट आपको कैसी लगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए और उनका भी टाइम सेव हो जाए। आई होप कि ये अपडेट आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं फिर एक ऐसी ही अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए।